वीवीआईपी के काफिले में चल रहे पुलिस पेट्रोलिंग वाहन से टकराकर बच्चे समेत माता पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल पूरा मामला छत्तीसगढ़ के पेंड्रा थाना क्षेत्र के राय पेट्रोल पंप के पास का है, जहां अंधियार खोर के रहने वाले दिव्या यादव और सुनील यादव अपने बच्चे को बाइक में बैठाकर गुड़कई गांव से अंधियार खोर को अपने घर जा रहे थे। तभी पेट्रोल पंप के पास बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई और बाइक वीवीआईपी के काफिले में चल रहे पेट्रोलिंग वाहन से टकरा गई। इस हादसे में 4 साल की कशिश यादव समेत दिव्या यादव और सुनील यादव को गंभीर चोट आई है, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। गोरेला पेंड्रा से संवाददाता उमेश अग्रवाल की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।